हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो ये वीडियो बहुत पहले से स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ये बता दीजिए मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि ज़रूरी है हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्या हम उसको स्कूल टाइम में पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लें या कॉलेज जाने के बाद इस चीज़ को पढ़ें ये सभी डाउट को मैं आज क्लियर करूँगा तो सबसे पहले यार मैं सब्जेक्ट वन की बात करता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट वन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो आगे भी आपको ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे मैं हाइड कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके okay? तो ये कंक्लूजन भी हम लोग पहुंचेंगे तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं देख लीजिए सेवन सब्जेक्ट्स हैं टोटल जो कि इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं और जरूरी है वेन्यू एंटर इंटू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप प्लान कर रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एंटर करने का, तो ये को पहले से पढ़ लो और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो वहाँ पे जाने के बाद आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे इज दैट क्लियर ओके तो अभी मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट वन के बारे में दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील्स विथ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इज यूज एक्सटेंसिवली इन कंप्यूटर साइंस फॉर डिजाइनिंग अलगोरिदम्स एनालाइजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स इसका मतलब क्या है मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे अलगोरिदम्स होते हैं जो कि बाई डिफॉल्ट ऐसे रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर कुछ स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो रन होते हैं वो अलगोरिदम्स को डिज़ाइन करने के लिए वी नीड डिस्क्रिट मैथमेटिक्स उसका यूज होता है और ये सब्जेक्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा टफ भी लगेगा शुरुआत में आपको टफ लग सकता है मुझे लगा था बिल्कुल टफ लगा था मैं क्यों झूठ बोलूंगा इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे शुरू से तब डिस्क्रिट मैथमेटिक्स आप अच्छे से कर पाओगे तो अगला सवाल है सभी में यह सवाल आएगा कि क्या यह सब्जेक्ट हमें स्कूल टाइम में पढ़ने को मिलेगा नो no. स्कूल टाइम में यह सब्जेक्ट नहीं है आपके स्कूल के सिलेबस में बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं लाइक like सेट से रिलेटेड कुछ रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड आप स्कूल में पढ़ सकते हो तो वो आप पढ़ लेना अच्छे से पढ़ना स्कूल टाइम में जितने भी मैथमेटिक्स है ना अप टू क्लास ट्वेल्थ उसको आप स्ट्रॉन्ग करना क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्कूल के मैथमेटिक्स यूज होते हैं और आपको काम में आएगा कुछ कुछ टॉपिक्स अब इसको क्लोज करके हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट टू में या फिर इसको ओपन रहने देते हैं सब्जेक्ट टू की बात करते हैं वट इज सब्जेक्ट टू अगेन इट इज कैलकुलस कैलकुलस से बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है बट आपको डरने की जरूरत नहीं है आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो एडी क्लासेस बाय आकाश दास वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स का भी क्लास ट्वेल्थ में कवर कर रहा हूँ वो क्वेश्चन को मार्क करो और उसको बार बार करो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के बट अभी कैलकुलस की बात करें वट एक्जैक्टली इज कैलकुलस कैलकुलस इज यूज टू मॉडल एंड एनालाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग तो आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग में भी कैलकुलस यूज होता है तो कैलकुलस में क्या टॉपिक्स आएंगे आप जब स्कूल टाइम में पढ़ाई कर रहे हो कैलकुलस में डिफरेंशियस एंड इंटीग्रेशन आएंगे तो डिफरेंशियसन एंड इंटीग्रेशन को पूरा परफेक्ट कर लो ये क्लास ट्वेल्थ uh, में आता है लेवंथ में आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आता है जो कि बहुत छोटा पार्ट है और कैलकुलस के लिए इंट्रोडक्शन है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बट वेन यू विल स्टडी इट इन डिटेल वो आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो टोटल फाइव चैप्टर्स हैं कैलकुलस रिलेटेड मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए सो द चैप्टर नेम्स आर डिफरेंशियल ये लास्ट में होता है बट पहला चैप्टर है सॉरी नॉट लिमिट्स एंड डेरीवेटिव ये तो इलेवेंथ का मैं बता रहा हूँ uh, ये होता है डिफ, uh, क्या है डिफरेंशिएशन है ना डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा फिर उसके बाद वाला चैप्टर जो रहेगा वो है इंटीग्रेशन फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देन डिफरेंशियल इक्वेशन ये पांच चैप्टर्स आएंगे ओके okay? कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी ये पहला चैप्टर था अभी मुझे याद आ गया सो दिस इज चैप्टर नंबर फाइव कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल ये पांच चैप्टर को आपको पूरा थोड़ा कर लेना है जितने भी तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा कैसे करना है सभी तरीके को आपको परफेक्ट कर लेना है तो कैलकुलस जरूरी है इसके बाद अगले चैप्टर की अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि लीनियर अल्जेब्रा तो कैलकुलस का यह सवाल था स्कूल टाइम में पढ़ने को मिलेगा यस yes, स्कूल टाइम में पढ़ने को मिलेगा उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है चैप्टर सब्जेक्ट नंबर थ्री इज लीनियर अल्जेब्रा लीनियर अल्जेब्रा इज यूज टू मॉडल एंड सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस लीनियर अल्जेब्रा में आप पढ़ते हो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशंस रहते हैं उसको सॉल्व करने का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सा चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का लीनियर uh, uh, क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग एल बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो एल पी पी को आपको अच्छे से करना है ताकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीखोगे स्कूल uh, टाइम में आप थोड़ा सा अलग तरीके से ग्राफिकल वे में सीखते हो बट वेन यू विल एंटर इन टू इंजीनियरिंग वहां पे आई हैव सोल्ड इट इन फोर्थ सेमिस्टर जहां पे मैथ्स फोर होता था वहां पर मल्टीपल इक्वेशंस लाइक तीन चार इक्वेशंस को सॉल्व करना वहां पे सिखाया गया डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड रहेंगे और उसको आप सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेश जो है टॉपिक उसको थोड़ा सा फोकस करना क्लियर uh, करने में वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए तो स्कूल टाइम में ये पढ़ सकते हो और कॉलेज में जाके एडवांस पढ़ाई करोगे सब्जेक्ट नंबर फोर इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू मॉडल एंड एनालाइज रैंडम इवेंट्स एंड आर यूज इन मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन आज के डेट में आपको पता है कि ट्रेंड में चल रहा है मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पावर बी आई बहुत सारे ऐसे बिग डेटा ऐसे टॉपिक रिलेटेड चल रहे हैं आपको जहां पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है कितना परसेंट एक्यूरेसी आ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये मॉडल सही रिजल्ट दे ये सभी चीज़ आप प्रोबेबिलिटी से सीखते हो आपको वो ताज पत्तों वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली हाँ कुछ जो मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा बट जब कोर कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस और कोडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में बहुत इन डेप्थ मैथमेटिक्स का नॉलेज जरूरत है आई हैव डन लाइक मेरा मशीन लर्निंग सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में सो आई हैव स्टडीड और वो बहुत टफ होता है यस yes, मैं सच बोलूंगा बहुत टफ होता है मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी जनरली आपको पढ़ने को नहीं मिलता है स्कूल टाइम में और स्टैटिस्टिक्स uh, प्रोबेबिलिटी हर क्लास uh, का लास्ट दो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ही होता है सो so, उसको आप ध्यान देना बट अभी सब्जेक्ट फाइव की बात करें दैट इज ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स एंड इज यूजफुल इन डिजाइनिंग अल्गोरिदम्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क सोशल नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स वॉट डज इट मीन कि स्कूल uh, टाइम में इसको एज सच पढ़ने को नहीं मिलता है बट इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन है नया सब्जेक्ट लगेगा इसको पढ़ाया जाएगा जब अल्गोरिज्म आप ड्रॉ करोगे ग्राफ uh, ट्री एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे पहुंचना है क्या सॉल्यूशन है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या है लाइक like जो टाइम एफिशिएंट हो स्पेस एफिशिएंट हो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा स्कूल टाइम में नहीं है बट कॉलेज में पढ़ोगे मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए वो ध्यान में रखना नंबर थ्योरी नंबर थ्योरी इज द स्टडी ऑफ नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ यूज इन क्रिप्टोग्राफी कोडिंग थ्योरी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी नंबर थ्योरी अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट है बट नंबर के रिलेटेड जो पैटर्न्स होते हैं जो फॉर्मूला होता है वो सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तो स्कूल में आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नंबर रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं और वो चैप्टर को थो थोड़े से आपको स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं ताकि नंबर रिलेटेड कोई पैटर्न है ना आप जल्दी से पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उसका एप्लीकेशन समझ पाओगे सो दैट इज अबाउट नंबर थ्योरी कमिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैलकुलस में आता है बट यहां पे कुछ एक्स्ट्रा सिमुलेशंस होते हैं लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस आर यूज्ड टू मॉडल डायनामिक सिस्टम्स एंड आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिमुलेशंस ऑफ फिजिकल सिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं हम एफिशिएंट सॉल्यूशन की बात करते हैं सपोज सात आठ सॉल्यूशंस है उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए कौन सा है आपको पता होगा एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्या करता है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है जो डेली लाइफ में हमारे आसपास प्रॉब्लम्स है टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको कोडिंग के ज़रिए से कुछ एप्लीकेशन बना के कुछ लूप बना के या फिर कुछ रिपीटेशन में चला के हम लोग कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं दैट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और वहां पे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन अगर मल्टीपल है उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन, कौन सा होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आई होप ये सात सब्जेक्ट्स आपको पता चल गया होगा फर्स्ट वन इज डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स सेकेंड वन इज कैलकुलस थर्ड वन इज लीनियर अल्जेवरा फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फिफ्थ वन इज ग्राफ थ्योरी सिक्स्थ वन इज नंबर थ्योरी एंड सेवेंथ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन Overall, a solid understanding of mathematics is crucial for computer science engineering students to excel in their course work and careers. ओवरऑल क्या बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स का strong नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो कोशिश कीजिए आप स्कूल टाइम से मैथ्स को strong करें अगर आपका मैथ्स कमजोर है प्लीज ट्राई टू इंक्रीज द एफिशियंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तब जाके आप एक बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाओगे आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड आप कमेंट में पूछना मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से वीडियो के फॉर्म में देके बताऊंगा चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक Keep learning, keep exploring, and keep smiling. All the best, and thank you so much.